हाउ टू सॉल्व एक्सट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हमारे मार्क्स हैं वो कहीं भी डिडक्ट ना हो। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर ये आप माइंड में हमेशा रखें एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करते समय, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है वह यह है कि नेम ऑफ द पोएम, लेसन और ड्रामा, यानी कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो अक्सर ये लोग पूछते हैं, एग्जामिनर्स पूछते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पोएम और राइट द नेम ऑफ द ड्रामा और लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ठीक है, तो हमें सारे चैप्टर्स के नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सेकेंड थिंग, नेम ऑफ द पोएट, ऑथर और ड्रामेटिस्ट। पोएट, ऑथर और ड्रामेटिस्ट यानी हर चैप्टर के जो ऑथर हैं या पोइट्री के जो पोइट्स नेम हैं, सारे के सारे हमको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यानी कि इसमें से ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा ही जाता है। देन कम्स वोकैबलरी। वोकैबलरी भी हमें हर चैप्टर में, वैसे तो हर चैप्टर जो भी हम पढ़ें वो डीपली पढ़ना चाहिए और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको हमेशा ही ध्यान देना चाहिए और उनके मीनिंग्स को हमेशा आपको सर्च करते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन पोइट्री का क्योंकि हमको ध्यान पता है कि पोइट्री का एक्सट्रैक्ट हमको करना ही करना है, तो पोइट्री का जो एक्सट्रैक्ट है यानी कि पूरा का पूरा जो पोएम है उसमें जो वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उनके सब के सब के सभी के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो वोकैबलरी से भी अक्सर 80% चांस होते हैं कि वोकैबलरी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कम्स लिटरेरी डिवाइसेस और पोइटिक डिवाइसेस। पोइट्री में लिटरेरी डिवाइसेस और पोइट्रिक डिवाइसेस से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमको पोम करते समय हर पोम में उसकी लाइंस में, डिफरेंट लाइंस में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, इन सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनमें कौन कौन सी इमेजेस का यूज़ हुआ है, ओके, ये सारे जो लिटरेरी डिवाइसेस और भी होते हैं उनका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट कम्स राइमिंग वर्ड्स एंड देन राइमिंग स्कीम। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम से भी 80% और 90% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी कि राइमिंग वर्ड्स तो मोस्टली पूछा ही जाता है बट अक्सर राइमिंग स्कीम भी पूछ लिया जाता है। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस, एक्चुअली बीइंग एज अ टीचर आई हैव नोटिस्ड व्हाइल चेकिंग माय आंसर शीट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई हैव नोटिस्ड 80% ऑफ स्टूडेंट्स राइट रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वो क्यों, एक्चुअली ये जो वर्ड है राइमिंग, इस वर्ड को देखते ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक्चुअली स्कीम को समझते हैं कि राइमिंग वर्ड्स ही लिखना है, जिसकी वजह से एक्चुअली वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं राइमिंग स्कीम वर्ड को राइमिंग वर्ड फ्रेज से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम टर्म्स हैं ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं और उनके जो क्वेश्चन हैं वो एक्चुअली कैसे सॉल्व किए जाते हैं या उनके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और राइमिंग स्कीम क्या होता है। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स आर एक्चुअली रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स। जैसे कि कोई भी पोम होती है उसकी जो एंडिंग लाइन होती है उसमें अक्सर आपने देखा होगा कुछ कुछ सिमिलर साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जो सिमिलर साउंड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। पोएट एक्चुअली अपने पोम में एक रिदम लाने के लिए, एक टोन लाने के लिए राइमिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उन्हीं को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं जो सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हमने लास्ट पोएम जो हमने पढ़ी थी फायर एंड आइस, उसका एक्सट्रैक्ट लिया है मैंने, तो उसमें हम देख रहे हैं जैसे कि फायर
डिज़ायर, फायर, इन तीनों वर्ड्स की जो साउंड है वो सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें जब क्वेश्चन ये पूछा जाए विच राइमिंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, फायर, डिज़ायर एंड फायर। कैसे लिखेंगे, फायर, डिज़ायर एंड देन फायर, ठीक है। तो ये हमारा राइमिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है राइमिंग स्कीम, विच राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव गिवन एक्सट्रैक्ट, तो हमें सबसे पहले समझना होगा राइमिंग स्कीम क्या होती है। सो राइमिंग स्कीम इज एक्चुअली अ पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स, यानी जब पोएट पॉम लिखते हैं तो उनको ये डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली उनको राइमिंग वर्ड्स किस पैटर्न में रखने हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन मैचिंग करनी है, या फर्स्ट या थर्ड करनी है, या फर्स्ट या फोर्थ लाइन में सिमिलर साउंड वर्ड होने चाहिए, ओके। तरह से जो फर्स्ट लाइन में राइमिंग वर्ड है वो थर्ड एंड फोर्थ लाइन को मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर राइमिंग स्कीम होगा ए बी ए ए। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।